ये आईओज बताएंगे, सीओज भी, 2015 में पहली एसओपी जारी हुई थी बीपीआरएनडी द्वारा, वो कितने लोगों को पास है 2015 या 2020, 20 में दूसरी एसओपी जारी हुई, तो ये एसओपी किसी के पास है? हाथ खड़ा करें, देखो गैप देख लीजिए, लो सर कितना बड़ा गैप है। तो अभी आज जो आप एसओपी बटवाएंगे वो किस फॉर्मेट में है बताएंगे? मैंने बोला था ना इसको पीएचक्यू को जो WSHL देखते हैं। रेणुका कहाँ है आपकी ऑफिसर, इंस्पेक्टर कहाँ है? आपने बांट दिया, बांटेंगे कब तक बांटेंगे? आज इसी फॉर्मेट में बांट दीजिए जिस फॉर्मेट में मेरे पास है, इस तरह से, ठीक है ना। और फिर इसकी मैंने बोला छोटी बुकलेट बना दीजिए, हाँ एक पीडीएफ में बना के सर्कुलेट कर दीजिए पहला, दूसरा एक बुकलेट बना दीजिए, हर थाने में होनी चाहिए वो, मतलब इमेजिन करिए इतने वो हो गया और आपको आपके पास किसी के पास बुकलेट ही नहीं है, एसओपी नहीं है। दूसरा जो लॉ में चेंजेस हुए हैं उसकी जानकारी बताइए मुझे, लॉ में चेंजेस रेप संबंधित कानून में चेंज कब कब हुए बताइए, सीओज बताइए, हाँ आफ्टर द निर्भया एक्ट, निर्भया के निर्भया कांड के बाद हुआ, उसमें दोबारा भी चेंज आया? हाँ 2018 में आया, क्या क्या चेंजेज आए कोई बताए ना, 2013 में क्या चेंजेज आए निर्भया के बाद, पहले चेंजेज क्या आया और 18 में क्या हुआ? 18 में पहली बार फांसी की सजा आई थी, है ना, और 2013 में क्या था? खड़े होके बोलिए, तो एक छोटी बात है ना, 2013 में पूरा आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट सब में चेंज आ गया, तो वो क्या क्या चेंजेज आए? 376 में भी बहुत सारी धाराएं जुड़ गई, 354 में भी ABCD आ गए, पहले कहाँ होता था ये सब? तो आप लोगों ने, क्या पीटीसी इतनी बेकार है या आप लोगों की आदर्श इतनी बेकार है, क्या है मतलब? कोई बोल रहे हैं, बहुत कम लोग बोल रहे हैं, यह हमारी ट्रेनिंग बेकार है, ये मेरे को थोरोली चाहिए हर किसी से, हैं? ये तो वन डे वो है, तो जो बच गए उनका 100% कोई एक नेक्स्ट वीक में ही एक सेशन लगाइए सेम, ठीक है, और अगली बार इनका एक एग्जाम भी लेना शुरू करिए। अगर हम कुछ करा रहे हैं तो उसको अगर ढंग से नहीं करेंगे तो या तो उसकी बार बार ट्रेनिंग कराएंगे, नहीं तो फिर उसको कोई अगर फिर भी नहीं पास हो रहा तो बैड एंट्री वगैरह लगाएंगे। ऐसे थोड़े कि आप जो मर्जी करते हो, विवेचना का ये हाल है, कानून कह चुका है कि विक्टिम को थाने नहीं बुलाएंगे, आप उसे 20 चक्कर कटवा रहे हैं थाने पे। एक केस मेरे नॉलेज में आया, एक्यूज साइड से पैसा लिया जा रहा था, फिर कहा नहीं नहीं विक्टिम का केस सही है, तो पता चल गया विक्टिम की हेल्प करनी हो विक्टिम से ही पैसा ले लो, तो कितनी पूवर संवेदनशीलता है आप लोगों में, उस बात को सोचिए। मतलब जो नए अधिकारी हैं आप ठंडे दिमाग से सोच के देखिए, कुछ साल पहले आप भी पब्लिक के आदमी थे, हैं? अभी आप खाली पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, किंतु विक्टिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक साल के अंदर दो साल के अंदर ही सोचना बंद कर दिया। तो इस ट्रेनिंग का पर्पज़ ये दो तीन तरह का पर्पज़ है कि जो कानून में चेंजेज आए हैं वो आपको पता चले क्या क्या चेंजेज हैं, सीआरपीसी में क्या चेंज है, आईपीसी में क्या चेंज है, एविडेंस एक्ट में क्या चेंज है,
तो कई जगह वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है, एक्ट भी कर रहा है, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। पीड़िता को ओवरनाइट थाने पे नहीं रखा जाएगा, पीड़िता को बयान के लिए थाने नहीं बुलाया जाएगा, उसके पेरेंट्स के लिए बहुत सारे अधिकार हैं, उनकी कंसेंट से होगा, 24 घंटे के अंदर मेडिकल होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता ही नहीं होंगी तो आप उसका कानून का पालन कैसे कराएंगे? तो इसको थोरोली कराया जाना है। और जैसा मैं पहले से हमेशा से कहता आया हूँ कि पुलिस का पर्पस पुलिस विक्टिम की मदद के लिए बनी है। पुलिस की ज़रूरत किसे है? रिच और पावरफुल को तो ऐसे ही इस देश में जस्टिस मिल जाता है। जो रिच है, जो पावरफुल है, जिसकी पावरफुल लोगों तक पहुंच है, सारे सिस्टम को वही अपने फेवर में तोड़ मरोड़ लेते हैं। किंतु पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है विक्टिम का साथ देना, कानून के अनुसार काम करना, नहीं तो सारी दुनिया से जस्टिस गायब भी हो जाएगा, फिर आईपीसी सीआरपीसी की वैल्यू क्या रहेगी? तो कृपया करके आप सभी लोग जो, क्योंकि अब सारे के सारे रेप केसेस को महिला ऑफिसर ने ही इन्वेस्टिगेट करना है। यद्यपि मैं देख रहा हूँ एसओपी में जो सीरियस केसेस हैं, एडीजी एलओ साहब आप ये शुरुआत कराइए, एसएसपीज को भी अगली मीटिंग में रखवाइए, उसमें टीम बनाई जा सकती है, और टीम में सारी टीम महिला की होना जरूरी नहीं है, एक महिला अधिकारी होना जरूरी है, मैंडेटरी जो, ठीक है? तो कहीं कहीं सेंसिटिव केसेस में आप टीम बना दीजिए दो या तीन लोगों की, उसमें और कॉम्पिटेंट ऑफिसर भी डाल सकते हैं अगर लग रहा है कि महिला कॉम्पिटेंट नहीं है वहाँ पर। तो इसको जो है हमें इसकी महिला अपराधों की पूरा जड़ तक जाना है और मेरिट पे काम होना है। कई बार ये भी मैंने देखा है कि रिवर्स उत्पीड़न भी होता है, एफआईआर एक्सटोर्शन के लिए कराई जाती है। कोई एक केस मेरे नॉलेज में आया था, पोक्सो भी था, उसमें रेप भी था, और उसमें जो झारखंड की लड़कियां थी और उसमें एक्सटोर्शन की डिमांड हो रही थी 12 लाख रुपए में सेटल कर रहे थे, तो वो भी तो क्राइम है, वो भी क्राइम है। हमें अगर ऐसा हो तो वो भी रजिस्टर करना चाहिए, हम दोनों को चार्जशीट कर देंगे। अगर दोनों क्राइम घटे हैं, रेप भी हुआ है और एक्सटोर्शन भी हो रहा है, तो हम दोनों को चार्जशीट करेंगे। सच्चाई में दोनों ही क्राइम है। और कई बार क्या है, केस पूरी तरह झूठा है, सिर्फ एक्सटोर्शन के लिए लिखा है, तो हम एक को एक्सपंज करेंगे, दूसरे को चार्जशीट करेंगे। जो सही है काम वही करना है। एडीजी एलओ साहब ने जैसे कहा, ऋषिकेश का केस इतना विभत्स था और फांसी की सजा हो गई लोअर कोर्ट से, किंतु हमारे छोटी छोटी गलतियों से छूट गया। तो ये भी नहीं होना चाहिए। हमारी कॉम्पिटेंस बढ़नी है, हमें कानून की पूरी जानकारी होनी है, फिर हमें एसओपीज की पूरी जानकारी होनी है कि क्या क्या हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, क्या क्या हमें किस स्टेज पे क्या स्टेप उठाना है, वो सारे के सारे स्टेप्स का अच्छे से अनुपालन किया जाना चाहिए। ये इसमें इस ट्रेनिंग में एसएसपीज को भी एक बार आप ऑनलाइन करा दीजिए, एडीजी एलओ साहब सेम थिंग, 1 घंटे का पैकेज बना करके ऑनलाइन कराएंगे, इससे पहले दूसरा बैच जो बच गया उसको कराएंगे, और फिर एक दिन मतलब चार धाम जब थोड़ा वो आ जाएगा, शुरू हो जाएगा ठीक से, उसके बाद जून में, मई एंड में, जून में एक दिन 1 घंटे का सेशन कराएंगे, जिसमें ये सारे के सारे पॉइंट 1 by 1 हम लोग उसको उनको पढ़ के सुनाएंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका कितना नॉलेज है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। इंस्पेक्टर अपनी मर्जी से जो मर्जी करता रहता है, अपने शुरू में एसआई मेल एसआई को दे देगा भी बेचना, जब उसके हिसाब से चल देगी लास्ट में महिला को पकड़ाएगा। ये सब इसमें मैल प्रैक्टिस ही है। 24 घंटे में मेडिकल नहीं कराएगा, रात में महिला को थाने पे रखेगा, ये सब बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। 0 टॉलरेंस होना चाहिए इन सब चीज़ों में जो डायरेक्शन जाए हैं। तो ये इसीलिए वर्कशॉप की गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरे ध्यान से पूरे दिन पढ़ेंगे, पूरा दिन इसको अटेंड करेंगे, और जो आपके नॉलेज की कमियां हैं, जो संवेदनशीलता की कमियां हैं, जो व्यवहारिक कमियां हैं, उन तीनों को, ठीक है,
उन तीनों फ्रंट पे आप अपने को और अपग्रेड होकर के यहाँ से जाएंगे, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। धन्यवाद।